देख रहे हैं एमए ऑनलाइन बिहार न्यूज, मैं अनिश कुमार पाठक। आज हम पहुंच चुके हैं दंत अस्पताल में और दंत चिकित्सक से बात करेंगे डॉक्टर हिमांशु जी से, और बात करेंगे, जानेंगे कि दांत के बारे में और दांत में किन कारणों से लोगों को जो दांत है कम उम्र पर टूट जाते हैं या दांत जो है वो कमजोर हो जाते हैं, कई प्रकार की बीमारियाँ हो जाती हैं दांतों में, तो इन सभी बीमारियों के इलाज के बारे में भी हम जानेंगे और इनसे मुखातिब होते हैं, रूबरू होंगे और जानेंगे कि ये ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए किस चीज़ का कैसे टूथपेस्ट हो या किस दवा का इस्तेमाल करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दंत चिकित्सक डॉक्टर हिमांशु पांडे जी। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जो दांत हैं आजकल कम उम्र के लोगों के टूट जाते हैं, तो इन समस्याओं से निजात पाने के लिए लोगों को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हम लोग को अच्छे से अपने दांतों का रख रखाव करना होगा, साफ सफाई अच्छे से रखनी होगी। और जो आपने बोला कि बहुत कम उम्र में आजकल दांत सड़ जा रहे हैं लोगों के, टूट जा रहे हैं, तो इसके पीछे भी एक रीज़न है। इसके पीछे जो सबसे कॉमन रीज़न है, आजकल हम लोग भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में अपने दांतों की साफ सफाई रख रखाव अच्छे से नहीं करते। दूसरा सबसे कॉमन रीज़न है कि फास्ट फूड का हम सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तीसरा इसमें सबसे ज़्यादा रीज़न, बड़ा रीज़न ये है कि हम लोग चॉकलेट, चिप्स, बाहरी चीज़ें से बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा होती है बहुत ज़्यादा होती है, और जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारे इनाम मेल को सड़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। इनाम जो दांत ऊपरी लेयर है, जो भी सतह होता है, इनाम मेल कहते हैं, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा वो इफेक्टिव होता है, बैड इफेक्ट होता है। इसके वजह से हम लोग का इनाम मेल झड़ना या सड़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये बाहरी चीज़ों को एकदम एक्सिबिट करना, एकदम कम्प्लीटली बंद करना होगा, खाना पीना प्रॉपर ब्रशिंग करनी होगी, दो टाइम ब्रश करना होगा हम लोगों को हमेशा, मुँह जब भी कुछ भी खाइए खुला जरूर करना होगा, साफ सफाई रखना होगा, डेंटल फ्लॉस यूज़ करना होगा, दांतों के बीच में कहीं खाना फंसता है तो उसको छोड़ना नहीं, उसको डेंटल ब्रश आता है उसे साफ सफाई रखना होगा, तब जाके समस्या धीरे धीरे दूर हो जाए। लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। लोग कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि जो जंक फूड है, जो बाहरी की चीज़ें हैं, जैसे चॉकलेट हो गए, चाउमीन, डोसा, इडली हो गए, इन सब चीज़ों से दांतों पे प्रभाव पड़ सकता है? बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। क्या क्या प्रभाव पड़ता है? इन सब में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, माइक्रोज, सब चीज़ की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। और ये क्या करता है कि डिफर्मेंटेशन अपना मेल करता है, वहाँ पर जाकर लॉज होता है, जब ऊपरी सतह पर दांत के सतह जाकर खाना लॉज होता है जी, खाना रुकता है वहाँ पर, हम साफ सफाई नहीं करते, उसे चिपचिपा रहता है, चिप्स खाते हैं, चिपचिपा रहता है, दांतों को जाकर फंस गया, आप उसको साफ नहीं किए, तो धीरे 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 बैक्टीरियल कॉलोनी का फॉर्मेशन करता है, और वो बैक्टीरिया क्या करता है, धीरे धीरे आपके इनाम मेल को सड़ाना शुरू करता है, ठीक है। इसीलिए जब भी अगर ऐसा कुछ खाते भी है तो साफ सफाई जरूर होती है। अपनी दांतों को लोगों को मजबूत करने के लिए कौन सी टूथपेस्ट का यूज करना चाहिए? ऐसा कोई स्पेशल सिर्फ कोई टूथपेस्ट नहीं है, आपको आप साफ सफाई रखिए, ठीक है, साफ सफाई रखिए, सबसे बढ़िया तरीका वही है, आपको अपने दांतों को मजबूत करना, साफ सफाई रखिए, दांत आपके मजबूत हैं। बात करें तो टूथपेस्ट और दांतों दोनों में बेहतर कौन सा? टूथपेस्ट ही बेहतर और ब्रश ही बेहतर, दांतों से अगर आप ब्रश करते हैं तो प्रॉपर ब्रशिंग नहीं हो पाती, जैसे कि दांत का ऊपरी सतह होता है उसको ऑक्लूजल सरफेस कहते हैं, ठीक है, अंदर का सतह उसको लिंगुअल कहते हैं, लिंगुअल सरफेस कहते हैं, वो दांतों से आप साफ नहीं कर पाते, और अगर दांतों में आप यूज़ भी करते हैं तो प्रेशर वहाँ पर चोट लग सकता है आपको, और चोट लगने की वजह से दांत वहाँ पर ट्रॉमा टूट सकता है, दांत में दर्द हो सकता है, मसूड़ा छिल सकता है, वो रक्त भी होता है, इसीलिए ब्रश और टूथपेस्ट बहुत ज़्यादा बेहतर है। आपकी क्लिनिक में क्या व्यवस्था है दांत को लेकर के लोगों को? हमारे क्लिनिक में मुंह के अंदर संबंधित सभी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, यहाँ पर डिजिटल एक्सरे है, ठीक है, अगर कोई जबड़ा टूटा हुआ पेशेंट आता है तो यहाँ पर फ्रैक्चर करने की भी सुविधा है, कहीं ना कहीं कहा जाए तो पूरी दांत की सर्जरी हो सकती है। हाँ, मैक्सिमम यहाँ पे काम होता है, मुंह से संबंधित जितना भी काम है पूरे काम। तो ये थे हमारे साथ मौजूद डॉक्टर हिमांशु जी, जो दंत चिकित्सक है। अगर किसी तरह की समस्या है तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, और इनका क्लिनिक है डुमराव स्टेशन रोड। कैमरामैन विजय कुमार पाठक के साथ बिहार न्यूज़, अनिश पाठक की रिपोर्ट, बक्सर।